जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 28 अक्टूबर 2023 की रात्रि में 1:06 से 2:23 तक चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सूतक में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें क्या करना है, रात्रि में जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम स्नान कब करें, दान कब करें, और घर के मंदिर में पूजा हमें कब करना है, किस प्रकार से घर के मंदिर की सफाई करें और पूजा करें। और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि वो मंत्र जपना चाहते हैं ग्रहण काल के दौरान, और मंत्र जप की संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं कि ग्रहण काल के दौरान किस प्रकार से मंत्र का जप करना चाहिए, माला से जप करें या बिना माला के कर सकते हैं, या फिर अपने सामने हम दीपक जलाए बिना अगर मंत्र जप करते हैं तो क्या वो मंत्र सिद्ध होगा। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। वैसे पिछली वीडियो में मैंने मंत्र जप करने की विधि आपसे शेयर की थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे संशय लोगों के मन में है, तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, कौन से नियम का पालन हमें करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो इस समय सूतक काल का समय चल रहा है, 1:06 से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और चंद्र ग्रहण की समाप्ति का समय होगा 2:23 पर। तो सबसे पहले बात करते हैं उन भक्तों के बारे में जो कि मंत्रों का जप करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं ग्रहण काल के दौरान। मंत्र कब से जपे? देखिए, 1:06 से जो ग्रहण काल का समय है उसी समय में अगर हम मंत्र जपते हैं तो हमारा मंत्र सिद्ध होता है, मतलब सिद्धि काल का समय यही है। तंत्र मंत्र कोई भी सिद्धि चाहिए तो ये समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। तो 1:06 से 2:23 तक इसी समय में मंत्र जप करना है। इससे पहले आप क्या करेंगे? स्नान कर लीजिए। देखिए, अब सर्दी बहुत है, रात का टाइम है, स्नान करना मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे? हाथ पांव मुंह धो लीजिए और फिर वस्त्र बदल लीजिए शुद्ध होकर, और फिर आप मंत्र जपेंगे। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि मंदिर तो हमने अपना ढक दिया है, पर्दे लगा दिए हैं, तो फिर मंत्र जप कहाँ करें? देखिए, मंत्र जप आप अपने घर में किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, मतलब जो भी कमरा आपका शांत हो, किसी भी प्रकार का शोर ना हो, तो आप उसी जगह पर अपना आसन डालकर बैठकर मंत्र जप कर सकते हैं। कोई भी जगह आपके घर में, कोई भी जगह आप मंत्र जप करने के लिए चुन लीजिए और वहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसी तरह के स्थान का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि जब हम मंत्र जप करते हैं तो शांत और एकाग्रचित्त होकर जो मंत्र जपा जाता है वही मंत्र सिद्ध होता है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, वैसे भी रात्रि का समय है, लगभग सारे लोग सो ही रहे होंगे, सब लोग तो जगेंगे नहीं, जिन्हें मंत्र जप करना है वही लोग जगेंगे, तो आप आराम से अपने कमरे में भी बैठकर जप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बेड पर नहीं बैठना है आपको, जमीन पर आसन लगाकर बैठ जाइए। जो पूजा का आपका आसन है वही आसन लगाकर आप बैठ सकते हैं, या फिर कोई भी कपड़ा डाल सकते हैं, ऊनी कपड़ा, कंबल भी डालकर बैठ सकते हैं, शुद्ध कर लीजिए गंगा जल से उसे और फिर बैठ जाइए। अपने सामने एक तांबे के पात्र में या फिर पीतल के पात्र में या कोई भी एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल भरकर रख लीजिए। गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल भरकर भी रख सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि अगर तांबे के पात्र में गंगा जल रखकर और वहां बैठकर हम मंत्र जप करते हैं तो गंगा के सामने, मतलब गंगा नदी के पास बैठकर जितना मंत्र जप करने का फल प्राप्त होता है उतना ही फल प्राप्त होता है। तो अगर आपके पास तांबे का पात्र है तो आप उसी में जल भरकर अपने पास रखकर बैठ जाइए। अच्छा, मान लीजिए आपके पास तांबे का पात्र नहीं है, तो जो भी आपके पास पात्र हो, चाहे स्टील का हो, पीतल का हो, कोई भी पात्र हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल रखकर और अपने पास रखकर ही बैठिए। क्योंकि मंत्र जप में हमें जल की आवश्यकता पड़ती है, तो मंत्र जप करने के लिए पहली सामग्री आपको आसन चाहिए, दूसरा आपको एक पात्र में जल चाहिए, और तीसरी सामग्री आपको चाहिए अपनी माला, जिस माला से आप मंत्र जप करेंगे। अब मान लीजिए आप मंत्र माला से नहीं जपना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? कोई भी वस्तु 108 की संख्या में गिनकर अपने सामने रख लीजिए ताकि आप मंत्रों की काउंटिंग कर सके। ये तीन चीजें लेकर आपको बैठ जाना है शांत स्थान पर और मंत्र जप प्रारंभ कर दीजिए। इससे पहले क्या करना है, जो जल आपके पास है उस जल में से थोड़ा सा अपने आसन के नीचे डाल दीजिए और अपनी दो उंगलियां, जो कि अनामिका उंगली और बीच वाली उंगली, इन दोनों उंगलियों को एक साथ मिलाकर और जल को हाथ से स्पर्श करके और अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए। भगवान गणेश का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देवता का ध्यान कीजिए।
इसके बाद अपने मंत्र का प्रारंभ कर दीजिए। जितनी भी संख्या में आप मंत्र जप करना चाहते हैं, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप पूरे एक घंटे तक मंत्र जप करें, मतलब कर सकते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं कर पाते हैं तो भी जितने देर आपसे बैठा जाए या जितनी देर भी आप जग पाते हैं जागकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप 11 माला भी जप कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो एक माला, तीन माला, पांच माला, जितना आपसे हो पाता है मंत्रों का जप कीजिए। इस समय में अगर हम थोड़ा सा भी मंत्र जप करते हैं तो वो मंत्र हमारा सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो बहुत आवश्यक है मंत्र जप करना। अगर आप मंत्र जप नहीं कर पाते हैं इस समय में, मान लीजिए आप कोई पाठ करना चाहते हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, या भगवान श्री हरि विष्णु के या किसी भी देवी देवता के जिसमें भी आपकी आस्था हो उनके नाम का स्मरण कर लीजिए। मतलब देखिए अभी सूतक काल चल रहा है, अभी आप सो सकते हैं, सो जाइए, अलार्म लगाकर सो जाइए, फिर 1 बजे अलार्म लगाइए या फिर आप 12:30 का अलार्म लगा दीजिए, उठकर आप हाथ पांव मुंह धोकर और 1 बजे से आप मंत्रों का जप प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आपको मंत्र जप करना पड़ेगा। और मंत्र जप की संख्या जब आपकी पूरी हो जाती है तब फिर से थोड़ा सा जल लेना है, आसन के नीचे डालना है, अपनी दोनों उंगलियों से उठाकर अपने सर पर, अपने मस्तक पर 2 बार लगाना है, अपने नेत्रों पर 2 बार लगा लीजिए, और फिर जिस भी देवी देवता के निमित्त आपने मंत्र जपा है उन्हें अपनी जप की संख्या समर्पित कर दीजिए कि हे इष्ट देवता, हे गुरु देवता, या फिर जो भी देवी देवता है उनका नाम लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप मेरे इस जपे गए मंत्र को स्वीकार करें, मुझे इसका शुभ फल प्रदान करें, भूल चूक जाने अनजाने कुछ हुई हो तो मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से आपके मंत्रों का जप संपूर्ण हो जाता है। अब आप अपने आसन पर से उठ सकते हैं। बस इतना ही करना होता है, कोई दीप हमें नहीं प्रज्वलित करना होता है इस समय में, माला से जप कर सकते हैं। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम माला से कैसे जपें, बिल्कुल जप सकते हैं। अब कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि सूतक काल में या ग्रहण काल में हम कोई पुराण या फिर कोई गीता वगैरह पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। इस समय में कोई भी धार्मिक पुस्तक को स्पर्श नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो मोबाइल से पढ़ सकते हैं, मोबाइल से सुन भी सकते हैं, मंत्र भी आप चाहें तो मोबाइल से चलाकर सुन सकते हैं। मतलब जो भी आप पाठ करना चाहते हैं मोबाइल पर सुन लीजिए या फिर मोबाइल से ही पढ़ लीजिए। कोई धार्मिक ग्रंथ, पुराण, वेद इत्यादि इस समय में, ग्रहण काल के समय में नहीं छूना चाहिए। तो मंत्र जप की संपूर्ण विधि मैंने आपसे शेयर कर दी। अब मंत्र कौन सा जपे, देखिए मंत्र वैसे मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप कोई मंत्र नियमित तौर पर जप रहे हैं, जैसे कि प्रतिदिन अगर आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो उसी मंत्र को जपिए, या फिर अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, जैसे कि धन प्राप्ति की हो या फिर संतान प्राप्ति की हो या विवाह की हो, तो उस मनोकामना के अनुसार आप मंत्र जप कर सकते हैं। और अब जैसे कि एक ही मंत्र जिससे कि सारी मनोकामना पूरी हो जाए, तो फिर तो जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप कीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस महामंत्र में हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने की शक्ति है, हर प्रकार की चीजों को आकर्षित करने की शक्ति है। तो धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्नान करना है, तो क्या इतनी रात को सभी को स्नान करना चाहिए? देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 2:30 बजे उठकर स्नान करेंगे, आप चाहें तो थोड़ी देर सो सकते हैं, इसके बाद अपने हिसाब से आप उठ सकते हैं जो आपका समय हो उसके अनुसार, और उठकर फिर आप सबसे पहले घर की साफ सफाई करेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद स्नान करेंगे, फिर गंगा जल के छींटे पूरे घर में आपको देने हैं, और इसके बाद आपको दान करना है। और हाँ, जिन चीजों का आपको दान करना है वो चीजें आप अपने स्नान करने से पहले निकाल कर रख कर जाइए, फिर स्नान करके आके सीधे आपको दान की सामग्री को ही स्पर्श करना होता है। दान करने के बाद ही हम पूजा करते हैं, क्योंकि ग्रहण को अशुद्धि काल कहा गया है, जब हम दान करते हैं उसके बाद ही शुद्ध अवस्था हमारी होती है, तो आपको दान करने की सामग्री पहले निकालना पड़ेगा। दान किन चीजों का करना चाहिए? देखिए चंद्र ग्रहण में सफेद चीजों का दान किया जाता है, जैसे चावल का दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, दूध दही का दान कर सकते हैं, कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि सीधा दान भी किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से चावल का दान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चावल नहीं दान कर पाते हैं तो आप आटे का भी दान कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप कुछ चीजें दान के लिए निकाल कर रख दीजिए, जैसे कि आटा, चावल, पैसे, सब्जियां, जो भी आप दान करना चाहते हैं, दाल रख सकते हैं। एक सीधा के अनुसार हम निकालते हैं जो भी दान करते हैं वो, और इसके ऊपर हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख देते हैं। स्नान करने से पहले रख कर जाइए, आते ही सबसे पहले आपको जो दान की सामग्री है उसे स्पर्श करके भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। आप अपने हाथ में जल लेकर 3 बार जल का घेरा दीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, इस प्रकार से, और जल का घेरा देकर भगवान को समर्पित कीजिए। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए
कि जो भी मुझसे जाने अनजाने भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। आपका दान, आपकी जो प्रार्थना है स्वीकार करें। और दान की सामग्री को स्पर्श करने के बाद आप अपने घर के मंदिर के पर्दे हटाएंगे। मंदिर का पर्दा या दरवाजा जो भी आपने लगा रखा है उसे हटा दीजिए। फिर गंगा जल का छींटा देकर मंदिर में आप प्रवेश करेंगे। अब आप चाहें तो पूरे मंदिर की सफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं हो तो सिर्फ गंगा जल के छींटे देकर भी आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हैं, अगर विग्रह स्वरूप में हैं, तो आप चाहें तो उनका अभिषेक कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, जिन देवी देवताओं का आप रोज अभिषेक करते हैं उन्हीं का अभिषेक करके भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसे कि अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो वो तो स्नान करेंगे ही, या फिर शिवलिंग हो या फिर शालिग्राम हो तो इनका अभिषेक तो हमें करना ही होता है। बाकी देवी देवता अगर आपके घर में रोज अभिषेक होता है तो कर लीजिए। समय है तो भी आप सबका अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो हम धातु स्वरूप में विग्रह रखते हैं उनका अभिषेक ग्रहण के बाद करना चाहिए। तो अगर आप इस समय नहीं कर पाते हैं दिन में भी कर सकते हैं। अभी गंगा जल के छींटे देकर आप धूप दीप प्रज्वलित करके पूजा कर लीजिए। तो आपकी स्नान दान पूजा ये तीनों चीजें हो गई। अब बात आती है कि क्या घर में जितने सदस्य हैं सब लोग स्नान करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सबको स्नान करना है। अब जरूरी नहीं है कि सबको रात में उठाकर ही आप स्नान कराएंगे, सुबह जब वो उठते हैं आप उनका स्नान करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि कोई बीमार है या फिर कोई बहुत बुजुर्ग है स्नान नहीं कर पाता है तो हाथ पांव मुंह धोकर कपड़े अवश्य बदलवा दीजिए। और सबसे दान अवश्य करवाइए, मतलब बच्चे भी दान करेंगे बड़े भी दान करेंगे। घर के हर व्यक्ति से दान निकलना चाहिए उनके हाथ से, चाहे एक मुट्ठी चावल हो एक रुपए का सिक्का हो, पर हर किसी के हाथ से दान अवश्य निकलवा दीजिए। इससे ग्रहों से संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो ग्रहण के बाद प्रत्येक व्यक्ति के हाथ से घर में जितने भी सदस्य हैं सबके हाथ से दान अवश्य निकलवा दीजिए। और जो भक्त कार्तिक स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद अपनी पूजा जो उनकी नियमित है, जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा, सूर्य देव को जल देना या फिर तुलसा जी की पूजा, ये सारे कार्य आपको उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में करना है। तो आप तो कोशिश कीजिए कि जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है तो सोए ना, बल्कि साफ सफाई करके अपने स्नान इत्यादि के कार्यों में लग जाइए। और हाँ, जैसे कि अभी सूतक काल चल रहा है तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम इस समय में कुछ खा सकते हैं, क्योंकि 4 बजे से सूतक लगा हुआ है और अभी खाने का ही टाइम है, तो खाना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब देखिए, ग्रहण काल के दौरान बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन सूतक काल में आप चाहें तो कुछ खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। देखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अगर आपसे रहा जाए तो बिल्कुल आप रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब रहेंगे, अगर छोटे बच्चे हैं वो कुछ खाना चाहें बिल्कुल आप उन्हें खिला सकते हैं, कोई बुजुर्ग है गर्भवती महिला है वो भी खा सकती हैं, और बड़े व्यक्ति भी जैसे कि स्वस्थ भी हैं फिर भी अगर आपको भूख लग रही है आप बिल्कुल भोजन कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ग्रहण काल के दौरान हमें नहीं खाना है, तो इस बार तो ग्रहण भी रात्रि में लग रहा है, उस समय खाने का भी समय नहीं है, तो इस समय इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपना निर्णय लीजिए। और हाँ, कार्तिक मास की कथाएं प्रतिदिन चैनल पर अपलोड हो रही हैं। 4:30 पर कथा मिल जाएगी आपको, आप लोग जरूर सुना कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। तो ग्रहण काल के बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी जानकारी मैंने आज आपसे वीडियो में शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों की भी समस्या का समाधान हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।